नमस्कार, मैं एमके सोनी और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़ हिमाचल। आज हम पहुंचे हैं सरकार घाट में, जहां पे यहां के स्थानीय विधायक कर्नल इंद्रजीत सिंह जी से बातचीत करेंगे और जानेंगे यहां सरकार घाट की स्थिति, इसमें जो लॉकडाउन है और कोरोना की जो महामारी के चलते हुए यहां पे क्या स्थिति बनी हुई है, और इसी के बारे में बातचीत करेंगे इनसे। तो सर, सबसे पहले तो स्वागत आपका। सर, क्या स्थिति है इस समय सर्कल गार्ड में? धन्यवाद आपका। अब कोरोना जो है ये विश्वव्यापी प्रॉब्लम है और हमारा देश भी इससे अछूता नहीं है, हमारा प्रदेश भी अछूता नहीं है। लेकिन जिस ढंग से माननीय ठाकुर जयराम जी ने प्रदेश में कोरोना की स्थिति को संभाला है, वो बहुत ही सराहनीय है और उनकी नीतियों के कारण ही, उनकी अच्छी व्यवस्थाओं के कारण ही प्रदेश जो है आज एक एग्जाम्पल बना हुआ है पूरे देश में कि प्रदेश में बहुत कम इसका प्रभाव हुआ है। मैं मानता हूँ व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त भी हुई हैं, लेकिन जिस ढंग से ठाकुर जयराम जी ने इसको संभाला है वो बहुत ही सराहनीय है, मैं समझता हूँ। मेरे जहाँ तक मेरे चुनाव क्षेत्र की बात है, मंडी जिला ग्रीन जोन में था, लेकिन जैसे ही बाहर से लोग आना शुरू हुए, जो हमारे बच्चे बाहर थे, पंजाब में थे, हरियाणा में, दिल्ली में, तो जैसे ही गाना आगमन यहाँ हुआ तो हमारे जो एंट्री पॉइंट थे वहाँ से भारी संख्या में लोग जो हैं, तकरीबन आज हिमाचल में तकरीबन, जैसा कि मैं समझता हूँ, बताया भी गया है कि तकरीबन 1 लाख लोग हमारे बाहर जो थे प्रदेशों में, दूसरे प्रदेशों में थे, वो प्रदेश में आए हैं। तो उनके साथ कुछ ना कुछ तो आना ही था, ये ऑब्वियस है, क्योंकि वो रेड जोन से आए हैं, डेंजर एरिया से आए हैं, तो कुछ ना कुछ तो संक्रमण होना ही था। वैसा हुआ, यहाँ एक लड़का दिल्ली में था, वो उसकी किडनीज दोनों खराब थी, तो अपना इलाज के लिए वहाँ गया था, लेकिन ये लॉक डोर हो गया, लॉकडाउन हो गया, तो लॉकडाउन होने की वजह से फिर वही हेल्डअप हो गया और ना उसका इलाज हो पाया बेचारे का। वेरी अनफॉर्चुनेट है उससे। और यहाँ आया तो अपने गांव में आया, जब चौक पंचायत है मेरे चुनाव क्षेत्र में, वहाँ उसका घर है, घर में आया, दो तीन बार वो हॉस्पिटल में भी आया, लेकिन वो किडनी की प्रॉब्लम से सबका ध्यान जो है किडनी की तरफ, किडनी काम नहीं करती है। लड़का एनेमिक था, ब्लड की मात्रा बहुत कम थी शरीर में, तो सब ध्यान उसकी तरफ गया, ये कोई कोरोना सेंट्रिक ध्यान नहीं रहा किसी का भी। लेकिन अल्टीमेटली उसको फिर यहाँ से मंडी नेर चौक होकर के और शिमला पहुँचा, शिमला में वो अनफॉर्चुनेटली एक्सपायर हो गया। लेकिन उसके साथ में उनकी माता श्री या ताई जो भी हैं वो उनके साथ लगातार रही हैं, तो लड़का तो स्वर्गवास हो गया, लेकिन उनका भी थोड़ा सा वो भी पॉजिटिव आ गई, तो उनका इलाज वहाँ चल रहा है। लेकिन जो उनके साथ गांव में बहुत से लोग मिले, रिश्तेदारी में होता है, गांव में बड़ा कंजस्टेड है, बराड़ता गांव है, देवराड़ता गांव है, तो बहुत कंजस्टेड गांव है, घनी आबादी है, तो गांव वाले भी मिले होंगे उससे, रिश्तेदार हम अभी आए होंगे मिलने के लिए, हॉस्पिटल में भी वो आया सरकार घाट में, तो बहुत से जो उसके संपर्क में लोग आए सबका जाँच हुई है और फॉर्चुनेटली उनकी माता श्री के अलावा सब जो है वो नेगेटिव आए हैं, तो ये अच्छी बात है। तो वो तो लड़का चला गया, लेकिन पीछे जो है वो अभी सारे कोई पॉजिटिव नहीं आए, नेगेटिव आए हैं, जो है उनकी माता श्री के, जो उनके साथ शिमला में भी गई थी और शिमला में ही है वो अभी वापस नहीं आई। जी सर, अर्थव्यवस्था की बात करेंगे, प्रदेश के पूरे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो इस समय कमज़ोर पड़ रही है, तो सरकार घाट को भी इसका असर पड़ा है, तो सरकार क्या नीतियां बना रही है जिसमें जो है वो अर्थव्यवस्था को वापस अपने उस पर लाया जा सके,
क्या कहना है? जहाँ तक अर्थव्यवस्था का प्रश्न है, ये तो विश्वव्यापी प्रॉब्लम है। जो विकसित देश हैं वो भी आज इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, हमारा तो विकासशील देश है। तो लेकिन माननीय मोदी जी का इस समस्या को हैंडल जिस ढंग से उन्होंने किया, बहुत ही तारीफ है, विश्वव्यापी तारीफ हो रही है उसकी, और एक रोल मॉडल के रूप में हिंदुस्तान उभरा है। अर्थव्यवस्था तो डेफिनेटली कमज़ोर होगी जब लॉकडाउन होगा और सब लोग जो कारीगर लोग हैं कारखाने बंद होंगे, तो उसका असर तो पड़ेगा ही। सेटबैक तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और प्रदेश को भी सेटबैक है इकॉनमी की वजह से, कि इसकी वजह से इकॉनमी डाउन हुई है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसकी अर्थव्यवस्था की जड़ें बहुत गहरी हैं। हमारा जो सोशल फैब्रिकेशन है, सोशल फाइबर है, वो बहुत मजबूत है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। हिमाचल में भी कोई हिमाचल की ये कंज्यूमिंग स्टेट है, कंज्यूमर स्टेट है, कोई हमारे पास इतने बढ़िया आमदनी के साधन नहीं है, रेवेन्यू जनरेशन के साधन नहीं है, फिर भी हिमाचल की अर्थव्यवस्था को जिस ढंग से माननीय ठाकुर जयराम जी की नीतियों के कारण संभला है, वो हमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हिंदुस्तान की जो इकोनॉमी है वो दुनिया में उभर करके आएगी, जैसे ही ये समस्या का समाधान होगा, जैसे कोई इसका वैक्सीनेशन मिले, वैक्सीन डेवलप होगी, कहीं ना कहीं तो बन रही है, दुनिया में बना रहे हैं, हम लोग भी, हमारे साइंटिस्ट भी इसमें काम कर रहे हैं, तो जैसे जैसे वैक्सीन बनेगी अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान की बहुत उभर करके आएगी। और दुनिया में हिंदुस्तान और चाइना दो अर्थव्यवस्थाएँ हैं जो इस कोरोना बीमारी से, कोरोना प्रॉब्लम से उभर करके बहुत अच्छी तरह आगे आएगी, और हिमाचल प्रदेश भी एक बहुत रोल मॉडल स्टेट बनेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इस बात का। सर, प्रदेश में अभी कैबिनेट मीटिंग नहीं हुई, तो स्कूलों की जो शिक्षा है उस पर भी खासा असर पड़ा है इसमें, ये चीज़ का जो लॉकडाउन है, तो क्या जो रिजल्ट हैं और जो एडमिशनों का दौर है, तो क्या इस बार क्या फैसला लिया है सरकार ने शिक्षा को लेकर? देखिए जी, जान है तो जान है, अगर हम सब कुछ खुला छोड़ दें, स्कूल खोल दें, सब कुछ इंस्टीट्यूशन खोल दें, तो फिर ना हम सोशल डिस्टेंसिंग कर पाएंगे, ना ही कोई और तरीका कर पाएंगे, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसलिए इसका एकमात्र यही है कि हम उसको अपने आईटी की वजह से, टेक्नोलॉजी की सहारा लेकर के हम घर घर में ही हमारे बच्चों को अपना लेसन दें टेक्नोलॉजी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, तो चल रहा है। मैं मानता हूँ वो चीज़ें तो नहीं हो पाएगी जो स्कूलों में होती है, वन टू वन टीचर के साथ कांटेक्ट होता है क्लासरूम में, वो तो नहीं हो पाएगी, लेकिन ये फिर विश्वव्यापी प्रॉब्लम है, कोई हमारी अलग से प्रॉब्लम नहीं है, हिमाचल की अलग से प्रॉब्लम नहीं है, ये तो सब जगह की प्रॉब्लम है। हमारे बच्चे जो मेडिसिन पढ़ रहे थे विदेशों में, वो भी आ गए हैं, आ रहे हैं, सारा 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 तांता डिस्टर्ब हो गया है। लेकिन इसका बेस्ट सोल्यूशन यही है एट द मोमेंट, इसका बेस्ट सोल्यूशन यही है जो माननीय ठाकुर जयराम जी और हमारे शिक्षा मंत्री जी सुरेश भारद्वाज जी जो कर रहे हैं, कि भाई हाँ ठीक है, आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपके घरों में ही स्कूल खोले जाएंगे, घरों में ही स्कूल का काम होगा, उतना अच्छा तो नहीं हो सकता, लेकिन समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, ठीक है। वो बच्चों को बिजी रखना है हमें, मुझे पता है हमारे अपने बच्चे जो हैं वो स्कूलों में नहीं जा पा रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, लेकिन हम उनको मॉनिटर करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी अच्छा एक तरीका है ये जी, स्कूल को ना जा करके घरों में ही स्कूल खोले जाए। जैसे हम लोग हैं, हम लोग पॉलिटिशियन लोग हैं, तो हम लोगों का डेली काम होता था लोगों के पास जाना, पार्टी का काम जो है वो हम फील्ड में जा करके करते थे, लेकिन अब एक ऐसा टाइम आ गया है कोरोना की वजह से कि हमें अपना पार्टी का काम सारा घर से करना पड़ रहा है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है डेली, कोई ना कोई प्रोग्राम जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की तरफ से, वीडियो की माफ़ की वजह से करते हैं, इस माध्यम से करते हैं, और ठीक है जो वन टू वन कॉन्टेक्ट है हम उसको कर रहे हैं, जो कमी रह जाती है उसको फ़ोन के माध्यम से दूर करते हैं। सर, आईटी के माध्यम से शिक्षा की बात की आपने,
तो ऐसे भी बच्चे हैं जो बिल्कुल गरीब हैं और उनके पास आईटी की जैसी टेक्नोलॉजी या वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है वो शिक्षा को गेन करना। तो उनके लिए क्या प्रावधान करेगी प्रदेश सरकार? नहीं, मैं आपसे इस विषय में सहमत हूँ कि हाँ, सबके पास एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन नहीं है, और फिर भी ऐसा होता है कि एक गांव है, गांव में अगर 10 बच्चे 4 बच्चे क्लास में पढ़ते हैं तो अगर एक के पास है तो बाकी सब उसका फ़ायदा उठाते हैं। हर एक बच्चे को अपने फ्यूचर की चिंता होती है, हर एक पेरेंट्स को अपने बच्चों के फ्यूचर की चिंता होती है। तो कहाँ जहाँ ये जैसा आपने कहा वो आईटी की सारी सुविधाएं अवेलेबल नहीं है, वो लोग मेकअप कर जाते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ, मेकअप कर जाते हैं बच्चे एक दूसरे बच्चे से, लाइक बच्चा जो है जिसके पास फैसिलिटी है उसे शेयर कर लेता है। ये मैंने अपने गाँव में देखा है। ये इस संकट की घड़ी में क्या संदेश देना चाहेंगे सर सरकार घाट की जनता को? कोई धैर्य रखिए, आप बहुत धैर्य रखिए, प्लीज़ संयम रखिए, संयम बरतिए, और मीडिया का नाजायज फायदा ना उठाइए, अननेसेसरली मीडिया को टैक्स ना करिए। गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग का टाइम निकल गया जो हम सुबह शाम करते थे मोबाइल फ़ोन पर, इसलिए मोबाइल फ़ोन में वही डालिए जो अधिकृत है, ऊपर से अधिकृत है, अफवाहें फैलाने में विश्वास नहीं रखिए। और मेरा सबसे अनुरोध है कि आप दो तीन चीज़ों का जरूर ध्यान रखिए। एक तो सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, ठीक है, आप ही मेरे नज़दीक बैठे हैं थोड़ा, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, और साथ में मास्क का सही इस्तेमाल करिए, ठीक है। मास्क की कोई कमी नहीं है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। हर एक ये मास्क नहीं है तो कम चल गई है, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत बहुत बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन दिया है, टी वी पर आकर के देखा है आपने उनको, तो वो तो हर एक आदमी अपने अफोर्ड कर सकता है, तो ये लेकिन किसी चीज़ की कमी नहीं है, मैं बताना चाहता हूँ। और साथ में ये मेरे चुनाव क्षेत्र की मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि हमने जो राशन, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो बिना राशन के रहा हो, ये जो भूखा सोया हो, ऐसा एक भी आदमी नहीं। मेरे पास मेरे चुनाव क्षेत्र में 5,410 प्रवासी मजदूर हैं यहाँ, जिनका खाना लोकल लेवल पे हम अरेंज कर रहे हैं, ठीक है ना। और अपने पास भी जो लोकल आदमी हैं जो IRDP में है, BPL में है, किसी के पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। वो सारा चीज़ जो है एडमिनिस्ट्रेशन भी कर रहे हैं, माननीय ठाकुर जयराम जी की सरकार कर रही है, और लोकल लेवल पे हम भी उसको कर रहे हैं, और इसमें कोई कमी नहीं है, ठीक है। और साथ में बहुत सा लोगों ने डोनेट भी किया है पैसा, माननीय मुख्यमंत्री जी के फंड में, राहत चीफ मिनिस्टर राहत फंड में, या फिर प्राइम मिनिस्टर केयर में वो पैसा इकट्ठा करके डाला है। तकरीबन हमने अभी कोई 20-22 लाख रुपया हम दोनों फंड्स में दे चुके हैं, और ये प्रोसेस जारी है, और लोग वॉलंटियर तौर पे दे रहे हैं। हम कोई किसी को ज़बरदस्ती नहीं, फोर्स नहीं कर रहे हैं, फोर्सफुली नहीं ले रहे हैं, लेकिन लोग जो हैं अपनी इच्छा से श्रद्धा के साथ देना चाहते हैं, ठीक है ना। और इस बड़े अच्छा कॉज है, ये देना चाहते हैं, पुण्य का काम करना चाहते हैं, और कर रहे हैं, और आगे भी करेंगे। और मैं हमारा चुनाव क्षेत्र अनफॉर्चुनेटली एक केस ये हो गया, लेकिन ऐसा बिल्कुल सही काम लोग कर रहे हैं। आप मार्केट में जाइए, सब्जी दुकान के सामने जाइए, वहाँ मार्किंग लगी हुई है, हर एक आदमी अपने अपने स्पॉट पे खड़ा होता है। बैंकों के बाहर जाइए, वैसी व्यवस्था वहाँ है। PDS सिस्टम जहाँ स्टोर मिलता है वहाँ भी हमने व्यवस्था करी है, हॉस्पिटल में व्यवस्था करी है, कहीं भी जाइए हमने व्यवस्थाएँ करी हैं। लेकिन एकदम जैसे वो उठ गया कर्फ्यू उठ गया, तो थोड़ी सी शुरू में लोग जैसे घर से निकलते हैं लोग, तो थोड़ा सा ये शुरू में ये सोशल डिस्टेंसिंग की आदत डालने के लिए थोड़ा सा टाइम तो लगा है। तो मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे मेडिकल हमारे डॉक्टर्स का, पैरामेडिकल स्टाफ का, पुलिस का, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का, आशा वर्कर का, सफाई कर्मचारियों का, जो भी लोग इसके साथ इन्वॉल्व हैं, जो जिनकी फ्रंट लाइन हमारे
कोरोना वॉरियर हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और हमने रिटर्न में भी सहारे को अपने अपने क्षेत्र में सब लोगों ने इनका धन्यवाद किया, जो अपना अपना समय निकाल करके और पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी निष्ठा के साथ जन सेवा में लगे हैं। ठीक है जी, हम तो पीछे रहते हैं, लेकिन ये जो फ्रंट लाइन में लगे हैं, सफाई वाला कर्मचारी, सफाई कर्मचारी फ्रंट लाइन में, डॉक्टर, मेडिकल, पुलिस, रात दिन ये लोग काम कर रहे हैं, तो हम इनका सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ये अपनी जान की परवाह न कर कर करे लोग अपने परवाह न के जन सेवा में लगे हैं, रात दिन लगे हैं जी। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ कर्नल इंद्र सिंह जी, जिन्होंने बताया कि सर्कल घाट में जो है वो स्थिति एकदम नॉर्मल है और किसी भी तरह की घबराने की कोई बात नहीं है, और जो सरकार है वो पूरी तरह जो है वो जनता के साथ है। और मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बने रहें हमारी लाइव अपडेट देखने के लिए, हमारे पोर्टल पे लॉगिन करें, SM News हिमाचल .in पे। तो इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।